अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिरयानी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार इजी तरीके से बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कर दे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दे। चलिए हम बनाना शुरू करेंगे। मटन बिरयानी के लिए मैंने 700 ग्राम मटन ली हूँ। और चलिए हम पहले उसका मैरिनेशन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम जितना हम दही ऐड करेंगे, एक नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी मैं 2 चम्मच भर के, हरी मिर्ची का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, बिरयानी मसाला 2 चम्मच, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें, कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे हम थोड़ा, और छोटे 2 मीडियम साइज का टमाटर। इन सारी चीजों को हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मैरिनेशन को हमें 2 से 3 घंटा हमें मैरिनेशन रखना है। और गोश्त मैंने हड्डी वाला भी ली हूँ, नरम गोश्त और हड्डी वाला मिक्स ली हूँ, और थोड़ा चर्बी भी ली हूँ फैट, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। इसे अच्छे से मिला के मैं 2 से 3 घंटा मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। मैरिनेशन करके 2 घंटा हो चुका है। अभी हम मसाले को पकने रखेंगे। कुकर ली हूँ मैंने, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करी हूँ, और कुछ खड़े गरम मसाले ले लेंगे हम। 1 चम्मच साजीरा, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा, 2 बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, स्टार और 8 से 10 काली मिर्च, वो ऐड कर देंगे हम। एक छोटा प्याज बारीक कट कर ली, वो ऐड करूंगी। प्याज को हम हल्का गोल्डन करेंगे। प्याज हमारा हल्का गोल्डन हो चुका है, उसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। मैं बिरिस्ता भी ऐड कर दूंगी। बिरिस्ता मैंने 2 बड़े प्याज का बिरिस्ता बना ली थी, वो ऐड करूंगी उसमें। और मटन को हम अच्छे से भून लेंगे। उसको मैंने अच्छे से भून ली हूँ 2 से 3 मिनट। अभी उसमें मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड करूंगी, जो मैरिनेशन की थी वही
बर्तन में मिला के। अभी कुकर का ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी आने देंगे, उसके बाद स्लो पे 10 मिनट पकाएंगे हम। गोश्त हमारा पक रहा है, जब तक हम चावल बॉईल कर लेंगे। उसमें नमक ऐड कर लूंगी मैं, 4 चम्मच, नींबू का रस, एक नींबू का रस, 1 चम्मच साजीरा, 8 से 10 काली मिरी, लौंग 3 से 4, दालचीनी का टुकड़ा, हरी इलायची 4 और तेज पत्ता, वो भी हम ऐड कर देंगे सब। थोड़ा सा पुदीना कोथमीर और इसे बॉईल आने देंगे। चावल ले ली थी पहले, जितना गोश्त ली हूँ उतना ही चावल ली हूँ, 700 ग्राम। इसे मैंने 1 घंटा भिगो ली थी अच्छे से धो के। पानी पे बॉईल आ चुका है, इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी मैं। चावल ऐड कर दूंगी। चावलों को हमें 90% कुक करेंगे। चावल हमारे तैयार है, 90% कुक हो चुके हैं। अब एक छन्नी में हम छान लेंगे इसे। गोश्त भी चेक कर लेंगे हम। गोश्त भी हमारा रेडी है। हम जो बर्तन में बिरयानी को दम करने वाले हैं उसमें हम खाली कर लेंगे। मसाले को मैंने बर्तन में खाली कर ली हूँ। अभी हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू आप ऐड करना चाहे तो करें, नहीं तो ना करें, मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा गिरिस्ता और थोड़ा हरा धनिया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा फूड कलर। थोड़ा बिरिस्ता और पुदीना थोड़ा। ढक्कन लगा के तवे पे हमें पतीले को रखना है और 5 मिनट फास्ट रखेंगे और 10 मिनट स्लो आंच पे हम दम करेंगे। और दम होते ही हम ढक्कन को नहीं खोलेंगे, थोड़े 5 से 10 मिनट हम रहने देंगे, उसके बाद ढक्कन खोलेंगे। बिरयानी दम हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही मसालेदार मज़ेदार सी बिरयानी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।
आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।